शंख चक्र गदाधारी श्री मथुराधीश प्रभु करुणग्राम नदी कूलात् स्वयं प्रादुर्बभूव पद्मनाभ मनः कामं पुरैता तनुरूप धृत पातु नो संख्यान जीवन केवलं कृपया कया। श्री वल्लभ पदां भोज रजांसी प्रणमाम्यहं यत् संपर्काद प्रजाधीश प्रेम सेवां जनोष्णुते। पुष्टिमार्ग्य सर्वज्ञः करुणारस सपूरितः श्रेष्ठः फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्व के समस्त पुष्टिमार्ग वल्लभीय वैष्णव को श्रीमदाचार्य चरण के प्रागट्य उत्सव की खूब खूब बधाई। श्रीमद वल्लभाचार्य चरण का मंगलकारी नाम जिह्वा पर आते ही आपके विषय में सर्वप्रथम एक ही विचार ध्यान में आता है कि श्रीवल्लभ जैसा न कोई हुआ है और न कभी भविष्य में होगा। श्रीमद वल्लभ नाम ध्येय सदृशो भावी न भूतोस्त्यपि। यह इस भूमि का भाग्य है कि जहां श्री वल्लभ प्रगटे, जो पे श्री वल्लभ प्रगट न होते वसुधा रहती सूनी। आनंद परमानंद रूप भूमि भाग्यम श्री आचार्य चरण का प्रागट्य उत्सव हो और पुष्टि पथानुगामी वैष्णव के हृदय में आनंद न हो, ऐसे कैसे हो सकता है। पुष्टि भक्ति संप्रदाय के संस्थापक का जन्मोत्सव आते ही प्रत्येक पुष्टि मार्ग के हृदय में आनंद का सागर उमड़ आता है। आज के दिन उनके उद्धारक पधारे हैं, परम गुरु श्रीवल्लभ के भूतल आगमन दिवस की इस पावन वेला में आज मेरा मन भी अलौकिक आनंद उत्साह से परिपूर्ण है। इतना आनंद है कि उसे कोई शब्द दे पाना असंभव है। जब रसो वैसह आनंदह आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात, जब रस आनंद या प्रेम कोई स्वरूप धारण करता है तो उसे श्रीमद वल्लभ कहा जाता है। इस अलौकिक रस और आनंद की व्याख्या में तो सारे शब्द कोश समाप्त हो जाते हैं। शब्द की सीमा से परे श्री कृष्ण रस का रसात्मक साकार स्वरूप श्री वल्लभ है। सुरत कृष्ण प्रेमामृत रस भरेणाति भरितः, श्रीवल्लभ रोम रोम रस झलके। लेकिन जब हम आज की वर्तमान स्थिति के बारे में सोचते हैं तो विचार आता है कि ऐसी स्थिति में हम उत्सव कैसे मनाएं। आज 2020 में जब हम एक सूक्ष्म वायरस COVID-19 के निरंतर भयावह चिंतन में हैं, सारा विश्व चिंतित है, मनुष्य मात्र के मन में चिंता है, तो उत्सव कैसे। भारत में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, एक दूसरे से मिलना मना हो गया है, अलग अलग रहने के सरकारी निर्देश हैं। ऐसे नकारात्मक वातावरण में श्री महाप्रभु श्री वल्लभ का प्रागट्य उत्सव कैसे और कहां और किस प्रकार मनाएं। इस वर्ष मनाएं उत्सव की न मनाएं, इस समय महामारी से प्राण बचा लें। उत्सव तो प्रतिवर्ष आता है, जीवित रहें तो हर वर्ष उत्सव मनाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसे वातावरण में लगभग सभी को ऐसे ही विचार आ रहे होंगे, लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। मैं मानता हूं कि यही तो समय है उत्सव मनाने का, यही तो समय है आनंद में डूब जाने का, यही समय है कि श्रीवल्लभ के प्रागट्य उत्सव के माध्यम से हम इस कोरोना के भय को भुलाकर अपने एकाकीपन की घुटन को दूर कर दें, नकारात्मक विचारों को मन से निकाल बाहर फेंकें। जब हम ताली थाली बजा सकते हैं, दीप जलाकर दीपावली जैसा उत्सव मना सकते हैं, तो श्रीवल्लभ का प्रागट्य उत्सव क्यों नहीं। बस इस वर्ष उत्सव मनाने का ढंग अलग होगा, उत्सव मनाने का प्रकार अलग होगा। मुझे लगता है इस बार का उत्सव वर्षों तक याद रहेगा, क्योंकि इस बार उत्सव में केवल अकेले आप होंगे और उत्सव नायक श्री वल्लभ। इस समय का उत्सव जीवन भर स्मरण रहेगा, क्योंकि श्री वल्लभ और वल्लभीय वैष्णव के अलावा कोई और क्रम नहीं होगा।
और समय तो उत्सव के प्रदर्शन होता था। उस समय तो केवल दर्शन प्रदर्शन से परे एकांत में शिवल्लभ के दर्शन है। अरे अगर ऐसा हो तो जीवन का हर पल उत्सव बन जाएगा। क्या कभी सोचा था कि कभी ऐसा भी उत्सव होगा जब केवल आप और वे अर्थात शिवल्लभ होंगे? आप वधाई कीर्तन करोगे, वे कीर्तन सुनेंगे। आप भोग धरोगे और वो आरोगेंगे। आप एकांत अर्थात एक ही में अंत, यही तो वास्तविक एकांत है, जहां भक्त प्रपंच की विस्मृति पूर्वक अपने सेव्य में, अपने प्रभु में खो जाए। सोचो अगर ऐसा उत्सव मनाओगे तो याद रहेगा क्या? याद रहेगा कोरोना? मुझे तो लगता है कि कोरोना क्या, आप तो ऐसा विचार करोगे मैं जीवन भर घर में बाहर ना निकलूं, खो जाऊं, ऐसे ही अलौकिक एकांत मुझे प्राप्त हो। श्रीवल्लभ को भी अलौकिक एकांत अति प्रिय है, इसलिए श्री विट्ठल सर्वोत्तम स्तोत्र में आपका नाम दे रहे हैं रह प्रिय। श्री गोकुलनाथ जी इस नाम की टीका में आज्ञा कर रहे हैं कि रह एकांतम एव प्रियम यस्य सह। जिनको एकांत अति प्रिय है ऐसे श्री आचार्य चरण हैं। तो आइए इस वर्ष हम घर में एकांत में उत्सव मनाएं। उत्सव का अर्थ है कि मन सब कुछ भूल जाए, ऐसा आह्लाद ऐसा आनंद उत्सव कहा जाता है। श्री वल्लभ ने ही उत्सव की यह परिभाषा श्री सुबोधनी जी में बताई है। उत्सव नाम मनस सर्व विस्मारक आह्लाद। आजकल हम सबको आह्लाद आनंद की खूब आवश्यकता है, अतः घर रहकर खूब प्रेम से भाव से प्रागट्य उत्सव मनाएं। और एक बात, इस बार सबको मन में प्रश्न होगा कि उत्सव में वैष्णव को महाप्रसाद के लिए घर बुला नहीं सकते, अधिक सामग्री धर नहीं सकते। इस विषय में मेरा मानना है कि सामग्री जितनी हो पर भाव से हो, आनंद से हो। हम इस बार कुछ और विशेष कर सकते हैं। कानून की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम जितना हो सके जरूरतमंदों को खिलाएं। आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास कोई भूखा तो नहीं है, अगर है तो उन तक भोजन राशन आदि यथाशक्ति पहुंचाएं। प्राणी मात्र का ध्यान रखें, अपने महाप्रभु का उत्सव है, जीव मात्र के साथ मनाएं। पक्षियों को दाना डालें, निराश्रित प्राणियों को जैसे कुत्ते बिल्ली एवं अन्य जीवों को भी यथासंभव खिलाएं। अपने प्रभु और महाप्रभु को गाय अति प्रिय है, अतः श्री वल्लभ के उत्सव में निकट की गौशाला में गौ ग्रास चारा आदि अवश्य दें। और एक बात, वैसे कहा जाता है धर्म क्षरति कीर्तनाथ, हमारे द्वारा किए गए धर्म या परोपकार का प्रचार नहीं करना चाहिए, नहीं तो परोपकार का क्षय हो जाता है। परंतु आज की परिस्थिति बहुत ही अलग है, आप परोपकार करिए एवं दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करिए। यह आपत्काल का समय है, देश को परोपकार की अत्यंत आवश्यकता है। सर्वम खलु इदम् ब्रह्म, इस नियम से मानव में माधव के दर्शन करें। श्री महाप्रभु श्री वल्लभ की कृपा प्रसाद रूपी प्रसन्नता आप सबको प्राप्त हो। प्रसादस्तु प्रसन्नता। श्री आचार्य चरण श्रीमद वल्लभ के उत्सव की पुनः आप सबको खूब खूब बधाई। बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मं प्रसीदतु, ध्याना समर्थ जीवानाम अस्माकं सर्वथा स्वतः।